दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 256 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते कि जैसे ही टेंशन समंदर के अंदर जाता है, उसके हैमर से बहुत सारे रेड ऑरा उसकी बॉडी के अंदर ग्लो करने लगता है, जिस पर टेंशन सोचता है कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसका डेथ गॉड डोमिन पूरी तरह से म्यूटेटेड हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग के स्पिरिट अभी भी टेंशन को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने आप ही टेंशन का डेथ गॉड डोमिन रिलीज होकर के उसे रोक देता है। वही इसके बाद टेंशन को ऐसा लगता है उसके सभी सोल बोन के अंदर कई सारे पावर भर गई है। इसी बीच टेंशन महसूस करता है कि उसकी सी गॉड लाइट बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उसका डेथ गॉड डोमिन म्यूटेटेड होने की वजह से इस डोमिन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक और कोल्ड हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि टेंशन के बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जी एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका सोल बोन पर पड़ रहा होता है। गॉड के पावर धीरे धीरे उसके हैमर के डेथ गॉड डोमिन को सप्रेस कर रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन के हैमर का नाइन्थ सोल रिंग क्रिएट होने लगती है। इधर सभी श्रेक डेवल्स भी टेंशन का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी यह लोग वहाँ पर गोल्डन रिंग की पावर को महसूस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तब टेंशन भी समंदर से बाहर आकर के अपनी हैमर की सभी सोल रिंग को रिलीज करता है, और जैसे ही उसकी हाउशन हैमर की नाइन्थ स्पिरिट रिंग बनना स्टार्ट होती है, वह उसे देख करके सोचता है ये तो बिल्कुल ही क्वीन रेंक्सू के गॉड लेवल सोल रिंग जैसा ही है। हालांकि अभी इसके अंदर डिवाइन पावर नहीं है, फिर भी इसके अंदर डीप और इनक्रेडिबल मर्डरस ऑरा है। इधर श्रेक डेवल्स भी टेंशन का इस सोल रिंग की पावर को देख करके हैरान होते हैं, तभी वहां पर सी गॉड लाइट अपीयर हो करके बताते हैं कि टेंशन ने सी गॉड के एथ टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर और सी गॉड लाइट दोनों ही 99 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। वही इस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जीवू के पावर बढ़ा करके 80 कर दिया जाता है। ये सब कुछ होने के बाद डाई मुबई टेंशन से कहता है हमने डीप सी डेमोनिक वाले किंग के बॉडी से एक सोल बोन को निकलते हुए देखा था, पर हमें नहीं पता कि उसके बाद वहाँ पर आखिर में क्या हुआ, इसलिए उस समय हम लोगों को तुम्हारी थोड़ा चिंता होने लगी थी। ये सुनकर के टेंशन सोचता है जब वह सोल बोन अपीयर हुई थी तब वहाँ असल में क्या हुआ था, इसके बारे में टेंशन को भी अच्छे से पता नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि किसी डिवाइन पावर ने उसे मदद की थी या फिर उसका डेथ गॉड म्यूटेटेड होने की वजह से ऐसा हुआ था। तभी ऑस्कर हैरानी से पूछता है जब 7th टेस्ट को टेंशन ने पास किया था तब उसकी सी गॉड लाइट 85% पर पहुंच गई थी, पर वही 8th टेस्ट के बाद तो उसे 99% से ज्यादा होने चाहिए था। इस पर टेंशन उन लोगों को सी गॉड ट्राइडेंट को दिखाते हुए कहता है कि शायद यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सी गॉड ट्राइडेंट की हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वही मैं अपनी फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सीनियर बोस आईशी से जरूर इसके बारे में पूछूंगा, और हो सकता है सी गॉड आइलैंड पर मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर टेंशन भी मेरी मदद कर दे। इसके बाद हमें बताते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पावर को अब्सॉर्ब करने की वजह से डाई मुबई और कैट गर्ल के सोल पावर 88 और 86 लेवल पर पहुंच गई है, और मोटू की सोल पावर 86, इसके अलावा ऑस्कर और रोंगरोंग के सोल पावर 85 और 87 लेवल पर पहुंच गई है। जिसके बाद जीवू टेंशन से कहती है डीप सी डेमोनिक वाले से मेरी सोल पावर 80 लेवल पर पहुंच गई है, पर इसके बावजूद भी मैं डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पावर को और भी अब्सॉर्ब कर सकती थी, इसलिए इतना तो तय है कि जब मुझे 8th सोल रिंग मिलेगी तब मेरी सोल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर सीओ बाई अपनी पूरे क्लांस के तरफ से टेंशन को धन्यवाद कहती है क्योंकि टेंशन ने डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पावर को इन लोगों के साथ भी शेयर किया था। और इतना कहते ही आज का हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसकी दूसरे पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा, तब तक वेट करना। और वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद सीओ बाई